यानी ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते के आखिर तक ही यहाँ सुविधाएं हो सकती हैं। क्या भारत में वीआईपी जानों की कीमत ज्यादा है? क्या महामारी में चारों तरफ मरते लोगों के बीच किसी के लिए बेड रिजर्व किया जा सकता है? भारतीय मानसिकता का वो क्या पहलू है कि संसाधनों पर वीआईपी यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का अधिकार पहले माना जाता है? कुछ याद दिलाते हैं। कल मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि जब बात जिंदगी की हो तो वीआईपी कल्चर नहीं चल सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये राष्ट्रीय संकट है, हम चुप नहीं रह सकते। ये चुप्पी तोड़ने का ही वक्त है, बोलने की ही बारी है। महामारी में मरते लोगों के बीच ऐसे वीआईपी कल्चर पर आंखों पर पट्टी बंधी रहे, ये ठीक नहीं। अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखे हमारे सहयोगियों के रिपोर्ट। संजय शर्मा ने आपको दिखाया वो होटल अशोका होटल, फाइव स्टार होटल, जहां पर ये अलग से 100 बेड्स रिजर्व किए गए हैं। क्या महामारी में भी रिजर्वेशन होगा? क्या महामारी में भी किसी की जिंदगी खास, किसी की आम हो जाएगी? ये सवाल बहुत बड़ा है। और अगर किसी को इस वक्त सुरक्षा और स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो देश के डॉक्टर्स को है, और इसीलिए उनके साथ सॉलिडारिटी में उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए हम सब ने ये बैच लगा रखा है। सवाल है कि आज तक ये पूछ रहा है कि क्या महामारी के बीच, मरते हुए लोगों के बीच भी वीआईपी कल्चर चलेगा इस देश में? राघव चड्ढा मोर्चा संभालेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, वो अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गई हैं। हमारे साथ कुछ वकील भी शामिल होंगे, विकास सिंह जी जो कि प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा पिटिशनर डायरेक्टर है फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कौशल आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी कोई है नहीं इस फैसले पर चर्चा के लिए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या ये फैसला सही है? क्या महामारी के दौरान किसी की जिंदगी आम, किसी की जिंदगी खास हो सकती है? अस्पतालों में देखिए, बाहर जाकर पहुंचिए और सुनिए कराहों को, कह रहे हैं कि अगर खास हो तो मिल जाता है बेड, और अगर आम आदमी है तो उसको बाहर भी इंतजार करना पड़ रहा है। डॉक्टर मिश्रा देखिए जिस तरीके से मुझे शाम को इस ऑर्डर के बारे में पता चला, और जैसे ही ऑर्डर आया मैंने अपने फ्रेंड्स एडवोकेट्स हैं और उनसे हमने बात की, और मैंने आवाज अपने टीवी की आवाज को नीचे कीजिए, आपकी आवाज गूंज रही है मिस्टर मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा आपने शायद टीवी नहीं चल रही, आसपास ऑन रखा है, बोलिए, अब बोलिए जी, बोलिए ठीक है, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही मुझे किस ऑर्डर के बारे में पता चला और मैंने अपने एडवोकेट फ्रेंड से बात की, मैंने कहा कि कोई एडवोकेट अगर अपना नाम नहीं दे सकता क्योंकि हाईकोर्ट का मामला है, लोगों की प्रैक्टिस पे क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि पिटिशनर इन पर्सन बन के मेरी पिटिशन फाइल होगी। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मीडिया का, क्योंकि सुबह से ही मैं तीन मीडिया चैनल पे बैठा और तीनों पे मैंने इस बात को कहा, और अल्टीमेटली मीडिया की वजह से ही मुझे लगता है ये बात कोर्ट तक पहुंची है, और जिसकी वजह से आज ये ऑर्डर हाईकोर्ट ने अपने आप स्वतः वापस ले लिया। मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत आदेश था, केवल इसलिए आदेश दिया गया था क्योंकि दिल्ली के सारे केसेस दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे हैं और सिर्फ जजेस को खुश करने के लिए इस तरह का आदेश दिया था, जबकि इस ऑर्डर में जो आपने पढ़ के सुना इसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इस पॉइंट पे क्लियर कट उन्होंने कहा हुआ कि हाईकोर्ट की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, और हाईकोर्ट की रिक्वेस्ट का नाम लेते हुए इसको इसमें पढ़ के सुनाता हूं। इसमें लिखा हुआ कि 100 रूम्स ऑफ अशोका होटल न्यू दिल्ली फॉर सेटिंग अप कोविड हेल्थ फैसिलिटी फॉर द यूज ऑफ ऑनरेबल जस्टिसेस एंड अदर जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एंड देयर फैमिलीज एंड द प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ प्राइमस हॉस्पिटल चाणकपुरी न्यू दिल्ली विद इमीडिएट इफेक्ट फॉलोइंग डायरेक्शन। और उसमें यह भी लिखा था कि नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस ऑर्डर शैल अट्रैक्ट द पिनल एक्शन एज पर लॉ। दिस इज नॉनसेंस, ऐसा ऑर्डर आज तक, और मुझे तब बुरा ज्यादा लगा था जब उन्होंने ये इसमें मेंशन किया हुआ है कि हाईकोर्ट की तरफ से एप्लीकेशन गई थी, जब हाईकोर्ट ने आज कोर्ट में ये क्लियर कर दिया कि इन्होंने हाईकोर्ट की तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई, तो इससे ये पता चलता है, ये दिल्ली सरकार का चेहरा सामने आता है, ये इन्होंने किस तरह से, मतलब इसको टोटल पॉलिटिक्स कहते हैं, यही पॉलिटिक्स का नाम है। जब प्रधानमंत्री के साथ बैठक हो रही थी तो अपने आप को ईमानदार दिखाने के लिए पूरे चैनल के सामने रिले करके बताना और बाद में हाथ जोड़ के माफी मांगना, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये केवल पॉपुलिस्टिक पॉलिटिक्स है, केवल घटिया पॉलिटिक्स, अगर मैं कहूं तो वर्ड सही रहेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि किसी ने नहीं कहा, इसमें कोर्ट को भी घसीटा गया। आज मैंने बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर मिश्रा, बिल्कुल सही। अरे डॉक्टर मिश्रा, गलत नहीं लगा, आप तो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल सही लगा रहे हैं कि हाईकोर्ट को अपनी तरफ करने के लिए
मुझे ऐसा लगता है, आप बताइए, कोर्ट ने अगर लेटर नहीं लिखा तो कोर्ट का नाम क्यों दिया गया? अगर मैं और मीडिया ने इस बात को नहीं उठाया होता तो